साड़ी उम्र है कोई पानी भरने की हूं बारह लोगों का पानी टोई टोई लिया बुढ़ा बारह सत्तर साल की उम्र होगी साढ़ा पानी गै नहीं आता असें के पीना उपरा सोहा आए दा भैया मेरा नाम बेबी है भैया अस वार्ड नंबर दो दा भैया इन्नी पानी की प्रॉब्लम है ना इन्हें सारिया जनानियां डीडीसी मैडम को भी गई तीन चार बार सरपंच को भी गई उन्हें बोला कि पानी मतलब आ जाना मैं थोड़ी पैंपा लगे दी कम से कम छे महीने हो गए इन्हें डीडीसी मैडम को गए उन्हें बोला थोड़ी पैंपा लगे दी छे महीने पाइपा तो दूर लगने गल भाई जो पाइपा लगे दी वो भी फटी दी मेन प्रॉब्लम यह है कि जिन्ना रे पाइपा ना उन्ना रे भी अगर पानी आया ना तो मतलब साढ़े घर चढ़ी जाता पाइपा बिल्कुल फटी दी सारे पाइपा फटी दी पानी चढ़ता नहीं चार चार घर एक एक नलका दिते दा कम से कम एक एक नलका तो होना चाहिए चार चार घर एक एक नलका तो उधर भी पानी है नहीं आता पानी चढ़ता नहीं पाइपा सारिया फटी दी छे दिन पहले असें सुपरवाइजर की फोन किया कि भैया सारिया पाइपा इं पाइपा फटिया सारी पाइपा ठीक करो उन्हें बोला कोई नहीं दो चार दिन आता थोड़े पाइपा हल करने अज कम से कम कोई हफ्ता आइए उन्हें बोले उन्हें साढ़ा कोई हल नहीं किया पाइपा सारिया फटी दी पिछुआ पानी चढ़ता नहीं तो फिर लड़ाइया लगनियां हूँ अह फिर गए उधर को डीडीसी सर को गए हे उन्हें एप्लीकेशन दी उन्हें बोला कोई नहीं अस हल कर दें उन्हें सूँ दिता पंद्रह बीह दिन का टाइम दिता महीने टाइम दिता महीने अंदर थोड़ा बोल लाई देने दिखने लगता तो नहीं तो फिर अह के करना पानी पीन जाना कुछ जनानियां सैनी सैनी जनानियां बेचारियां नहीं जाई सकदियां बाहर नहीं गल पानी है ही नहीं भैया बिल्कुल नहीं तुम दिखी सकते अंदर पानी की इन्नी बड़ी समस्या है हाँ जी भैया सारी चार चार बार गए हैं सारे चार चार डीडीसी मैडम को गए सारे गए हैं हाँ बस लड़ाई लगती आहो फिर कोदे जिम्मे लाना अहें कोई एक बार जा तो बंदा बोलिया नहीं बोलिया अहें सारे बोलिया भैया पानी इन्नी ज्यादा समस्या ना बिल्कुल पानी है ही नहीं है अब क्या देखते हैं अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो इसके बाद आपका कार्रवाई क्या रहेगी भैया फिर क्या कर सकते हैं आगे ये बताओ ट्यूबवेल ही फिर बंद कर देंगे पीछे से और क्या करेंगे पानी है नहीं बिल्कुल भी ट्यूबवेल बंद कर देंगे और क्या करेंगे खड़े सड़क पे खड़े हो जाएंगे रोड बंद करेंगे पानी है नहीं तो करेंगे क्या प्यासे बंदे कहां मोदी जी ने जल योजना जगाई है घर घर में पानी पहुंचाएंगे यहां पर आके तो देखे पानी है कि नहीं है बनाई तो है उन्होंने हमारे घर में पानी बिल्कुल नहीं है भैया पानी की इतनी ज्यादा समस्या है लोगों को इतनी परेशानी हो रही है सैने सैने बंदे जो चल नहीं सकते वो बाहर से पानी उधर से इतनी दूर से ला रहे हैं तो सुननी तो चाहिए ना किसी की नहीं सरपंच बनाया मेंबर बनाया सुनता कोई है नहीं इनकी तो क्या करना फिर हम कहाँ पे जाएं बताओ इतने सारे लोग हैं इनको लेकर बार बार डीडीसी पास तो नहीं जा सकते हर जगह गए हैं इनको लेकर कोई सुनने वाला नहीं है इनकी क्या करेंगे पानी के लिए तो करना पड़ता है पानी तो सबकी ज़रूरत है अभियान चला दिया मोदी ने जल योजना वाला पानी तो देखो ना आके घर पे कि पानी है कि नहीं है सब लोग इतने परेशान है पानी के कम से कम दो साल हो गए पानी की समस्या से पाइपें पहले हमारी अलग पाइप थी तो पानी आ जाता था अब उन्होंने एक ही पाइप हमारे इधर का पानी वो ऊपरले नगरोटे उधर बेचते हैं मेन पाइप ही फटी है पीछे देखो सारी पाइपें फटी हैं पानी चढ़ता नहीं है तो हम क्या करें फिर हम ट्यूबवेल ही बंद कर देंगे और क्या करेंगे हमें नहीं तो हम फिर हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं ताला लगा लेंगे उसको धन्यवाद जीवनो देवी।
असें परेशानी है ते साड़ी दो नंबर वार्ड च पानी की बड़ी तंगी है। जनानियां आपू बिचे लड़दियां पानी थ्होंदा नहीं ते सहजे लड़ना कौन बाहरा दा बेचारियां ओ एडी एडी दूरा ढोई ढोई जिहड़ियां घर पजा दियां ने पानी ते जिहड़े बंदे ने साढ़े ओह बेचारे दिहाड़ियां लाण जाणे पानी भरी देण। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਟੂਵੈਲ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹਾ। ਜਿਉਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਲਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਦਾ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਗੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾ ਥੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਵੈਲ ਵਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜੀਬੇ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਟੂਵੈਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਨਲਕੇ ਨੁਲਕੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਟੈਪਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪੂ 'ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭਰੀਏ ਦਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਗਰੋਟੇ ਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਖਲਕਾ ਨਗਰੋਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਪ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।